नमस्ते जी, सबको क्या हाल है सबके। आई होप सारे बढ़िया होंगे, है ना। तो जी कल है मेरा काम का लास्ट डे एंड देन आई विल बी लिविंग फॉर दिल्ली। तो अभी थोड़ी पैकिंग वगैरह कर रहा हूँ, सामान लेके मैं जाना नहीं जा रहा, मैं कहा थोड़ा ही लेके चलें। ये मैंने अभी अभी ख़रीदा है एक दूसरा वॉच बॉक्स, मैंने कहा चलो थोड़ा सा काम करें। ये पुराने वाला था, इसमें थोड़ी सी वॉचेस पड़ी हैं, दो तीन मैं लेके चल रहा हूँ। एक तो हमने पाई हुई है वन ऑफ दी फेवरेट कैसियो F91W, है ना। चलो भाई साहब आप चप्पल ले आए हुए हैं ताकि हम चले जाएं, भेजना चाह रहे हो इतनी जल्दी तो मुझे, मेरे को भेजना चाह रहा है यार, गजब बंदा है। तो सुबह हो चुकी है एंड अपन अब निकलने वाले हैं काम पे, उसके बाद दिल्ली निकलना है, है ना। ट्रेन की टिकट बुक की है अपनी फाइनल, मतलब कंफर्म हो गया है, पहले कंफर्म तो नहीं थी, तो अभी मैसेज चेक किया कि कंफर्म हो चुकी है। चलो रेडी होते हैं, तो अपन हो गए हैं रेडी और अब निकलने लग रहे हैं। ठीक है, अभी पहले चार्ज को मिलता हूँ सीधा। ओए एंगेज्ड पर्सन, कैसा लग रहा है? बढ़िया। चेहरे पे नहीं लग रहा मेरे को। YouTube पे कहाँ डाल दूँ? अपने पास। अच्छा, मैं तो नहीं मानता तेरी। यू शट अप। पार्टी पार्टी अनिरुद्ध, कैसा लग रहा है सत्य तेरे को कि अपन वापसी निकलने वाले हैं? इसको तो पता ही नहीं मम्मी के मैं बाय कह रहा हूँ उसे। बाय अच्छी। चाय अच्छी मम्मी तरह दादी। हाँ बैग वूग आ गया बाहर, मैं चाय पी के निकलते, ट्रेन हो गई है लेट एक घंटा। वो आ गई गड्डी, चलो चलें। वो एक डेढ़ घंटा तो पॉलिसी बाजार पे बैठा था ना मैं, 3500 रुपये महीने की ले ली, 10 करोड़ का कवर है। बाय, इग्नोर मार रहा है। चलो बाय माँ, बाय भैया, बाय अच्छी। अपन पहुँच गए स्टेशन पे, पर अभी भी ट्रेन और लेट हो रही है, तो फिर अब वेट करना पड़ेगा। दिल्ली भी नहीं पुकार रहा है, घर वालों से भी थोड़ा सा दूर जाके अच्छा नहीं लगता यार। ऑब्वियसली इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब 15-20 दिन घर में बाहर निकाले हो ना, फिर एकदम से वापस जाना। पर चलो पढ़ाई तो करनी है अपन ने, बाल भी खराब हो गया, कोई ना पकड़ते हैं अपन। यार बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाने के बाद मैं आखिरकार ट्रेन में बैठा, थोड़ी सी देर देखा बाहर, फिर मैं कहा टाइम है तो क्यों ना लगा लेते हैं अपना हिंदू का एनालिसिस। अब किस्मत आज भगवान ने कहा कि तेरी पूरी खराब ही कर देंगे, उसके बाद मेरा नेट चलना हो गया बंद, तो फिर मैंने इसमें नहीं देखा, मैंने उसको स्विच कर दिया फ़ोन में। जब मैंने फ़ोन पर कम्प्लीट कर दिया, फिर बहुत ज़्यादा टाइम था, ट्रेन और लेट हो रही थी, तो मैंने सोशल इशूज़ को पढ़ा। मैंने कहा चलो ये करता हूँ, और जितना मेरे से हो सका मैंने उस हिसाब से अराउंड 23-24 पेज के आसपास पढ़ लिया। डेढ़ से पौने दो घंटे के टाइम के बाद वी रीच एट आर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। देख लो, ठीक है, मतलब लेट, इतनी देर के लेट हो गया था। और तो भैया क्या हो रहा है? इट्स 10 बज रहा है, अब निकलते हैं रूम के लिए, कैब बुक कराते हैं जल्दी से एंड पहुँचते हैं। बहुत ही माड़ी है यार जिंदगी में, सबको तो लेट ही होना है। अब ऑटो करा अपना, जहाँ लोकेशन है भैया को लग रहा है कहीं और जाना था, उन्होंने कहा भैया मैं कैंसिल कर देता हूँ, आधे रास्ते वहाँ हैं, थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया, अब दूसरा ऑटो करना पड़ रहा है। चलो आखिरी में डेस्टिनेशन पे तो पहुँचे हैं। चलो भाई सेकंड राइड हो गई अपनी शुरू, अब अपन निकलते हैं आगे की तरफ। तो जी अब लग रहे हैं अपन सोने, टायरिंग डे था, ये टायरिंग नहीं होती वैसे ना इतनी, पर चक्कर था हमने सुबह भी ट्रैवल करा, अराउंड 4-4.5 घंटे का ट्रैवल सुबह था, फिर ट्रेन का भी लेट हो गया, सफ़र ही अलग हुआ क्योंकि वहाँ जैसे सास के आते सुबह वो तो लंबा ही पड़ गया, उसकी ट्रेन पहले थी तो वो तो सो चुका है अब तक। टाइम हो रहा है 11:03,
फिर अब सिस्टम ये था कि मेरी ट्रेन थी वैसे 5 बजे की, पर वो डिले होते होते आई 6 बजे, और यहाँ और डिले हो गई आते आते। तो अब जाके घर पहुँचे हैं, अब सोएंगे ताकि सुबह भले ही थोड़ा लेट उठें अभी, लेकिन उसके बाद पढ़ना है क्योंकि भगवान ने 20 दिन एक्स्ट्रा दे दिए हैं, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करना अपना फ़र्ज़ है। और टेंशन नहीं ले जी, जी कोई दिक्कत नहीं है, लेट हो गए हैं क्या है, थोड़ा हेक्टिक डे था, दिक्कत नहीं है, लाइफ तो चलती रहेगी, अनसर्टेनिटीज़ बहुत होती हैं, वी जस्ट नीड टू वर्क हार्ड एंड मूव ऑन। चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स।